इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज, मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो आइए आपको ले चलते हैं अभी की एक बड़ी खबर पर। मतदाताओं के साथ दंगाइयों ने की मारपीट, हवाई फायर कर पंचायत चुनाव को प्रभावित करने का किया प्रयास। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में खनिया धाना जनपद पंचायतों में कल मतदान होने हैं। मतदान निष्पक्ष तरीके से और निर्भीक होकर हो सके, इसके प्रयास प्रशासन द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। इसके बाद भी लगातार कई ग्राम पंचायतों से दबंगों द्वारा मतदाताओं को डरा धमका कर अपने पक्ष में मतदान कराने के प्रयासों की खबरें आ रही हैं। ताजा उदाहरण खनिया धाना जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम दिदावनी में देखने को मिला, जहां गुरुवार की रात दबंगों द्वारा गांव के मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए बंदूकों से हवाई फायर किए गए और कुछ मतदाताओं के साथ मारपीट भी की गई, जिसकी शिकायत लेकर आज करीब आधा सैकड़ा ग्रामीण वासी बामोर करा थाना पहुंचे। ग्राम वासियों का कहना है कि दबंगों द्वारा उनके पक्ष में मतदान करने के लिए ग्राम वासियों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और मारपीट की जा रही है। दबंगों द्वारा जान से मारने की धमकियां भी लगातार दी जा रही है। गणेश सोनी, जिला ब्यूरो, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। आपका नाम? राजू राजा। क्या घटना हुई आपके साथ? सर, वोट मांगने आया हम कि भैया वोट हम कैसे दे रहे, तुम्हें लाने तुम्हें हम तीन भैया जिला बदल हो मारा पीटी कर तुम्हें लाने कैसे कैसे वोट दे रहे हैं, तुम सही चल वोट दे रहे तुम्हें लाने, बस उठा उठा के पटके बुलाने रोड पे। अच्छा, किसने? लाला राम और लाल साहब और भगवान सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? जी जामन धान है। आपका नाम? यशपाल सिंह परमार। आपके साथ क्या घटना हुई है? हमारे साथ ये घटना हुई, लाला राम लाल साहब उत्तम शेर सिंह चाली उमेश और 25-20 बाहर के अन्य लोग हैं, वो आकर के हमारे घर पर पत्थर मार के बंदूक चला करके वोट मांगते हैं। तो आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है हमें प्रशासन को बुला पुलिस व्यवस्था की जाए, हमारे साथ माने अन्याय होगा, अगर ऐसा होगा तो हम इस वोट कहाँ कैसे डालेंगे, घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। तरह की अपने आसपास की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टीवी न्यूज को। अगर आप यह फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए हमारे पेज को। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।